वेलकम टू नमस्ते तेलंगाना। ये तेलंगाना की धरती में 45 लाख एकड़ में इरिगेशन हुआ है। अब ये सब देखने के बाद हम जो सोचते थे, देखते थे कि भाई किसानों के लिए बहुत बड़ा काम केसीआर साहब ने किया है, तो अब हम हमारे आंखों से देखा है। ये जो काम देखा है उसमें पीने का पानी, खेती का पानी, पहला काम जो आपको सबको मालूम है कि ज़िंदगी में सबसे पहला क्या चाहिए, तो पीने के पानी की ज़रूरत है, खेती के पानी की ज़रूरत है, खेती के लिए लाइन की ज़रूरत है, डेवलपमेंट के रास्ते की ज़रूरत है। ये सब बातें अपन सब देखते हैं। और ये तेलंगाना में खाली 9 ईयर में ये सब डेवलपमेंट हुआ है। मेरे ख्याल से ये स्टेट नया है, इसमें 2014 में ये नया स्टेट बना है। और 9 ईयर में पूरा धरती इरिगेशन करना, पीने का पानी बोले तो फिल्टर पानी हर एक नागरिक के घर में पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। आज अपन देख सकते हैं पीने का पानी मिल रहा है, खेती के लिए पानी मिल रहा है, खेती के लिए एकड़ी 10,000 रुपये उस खेत अनुदान मिल रहा है, खेती करने के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस किसानों को मिल रहा है, किसानों के और आम पब्लिक के लिए जो शादी बनाती है तो उसके लिए 1,116 रुपये गवर्नमेंट देती है, और SMP के रेट जब नीचे रेट जाते हैं तो गवर्नमेंट 7,000 खरीदी केंद्र से वो उनके धान खरीदी करता है। ये सारे बातें देखने के बाद तेलंगाना का जो मॉडल हम महाराष्ट्र में जो बता रहे BSR BRS पार्टी, तो ये बिल्कुल 100% सही है।